everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Keerthi and this is Harry. तो आपने हैरी को तो मेरे चैनल पे बहुत बार देखा होगा. तो अभी हैरी आया हुआ है और आज हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं. हम लोग क्या स्पेशल करने वाले हैं हैरी? हम लोग स्पेशल से रेसिपी बनाने वाले हैं. यस, तो हम लोग जा रहे हैं हैरी की फेवरेट सब्जी बनाने और मैंने सोचा क्यों ना उसे एक व्लॉग में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि हैरी को व्लॉगिंग करने का बहुत मन कर रहा था. तो मैंने सोचा कि चलो हैरी का ये शौक़ पूरा करते हैं. तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि हैरी की फेवरेट सब्जी कौन सी है और उसकी क्या रेसिपी है. चले. यस, सो आज की स्पेशल रेसिपी का सबसे पहला इंग्रेडिएंट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये पनीर, जिसको हमने ग्रेट करके रखा हुआ है. और यहाँ पे आप साथ ही साथ देख सकते हो हमारी वेजिटेबल्स भी चॉप्ड हैं, लाइक कोरिएंडर लीव्स, अनियन, टमाटो एंड चिली, ऑल आर सेट. तो अब हमने पैन रख दिया है गैस पे और थोड़ा सा ऑयल रखा है और अब हम लगाएंगे इसमें तड़का. तो तड़का हमने ज़ीरा और चिली का यूज़ करके लगाया है एंड हल्की सी हल्दी, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो. वेल, बच्चों को थोड़ा कलर अच्छा लगता है तो हम थोड़ा सा हल्दी इसमें डाल देते हैं छौंका लगाते वक्त. और जैसा कि आप देख सकते हो अब हमारा छौंका लग चुका है. अब बारी है अनियंस डालने की. वैसे तो मैं इस तरह की रेसिपी वीडियोज़ पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी अपने दूसरे चैनल पे किड्स क्रिएशन पे, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक रेसिपी वीडियोस. तो मैंने अभी थोड़ा सा वो प्रोसेस होल्ड किया है और मैं थोड़ा सा शॉर्ट वीडियोस पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ. बट इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच दिस काइंड ऑफ रेसिपी वीडियोस, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो तो मैं अपने किसी व्लॉग्स में इंक्लूड करके आपके साथ छोटी छोटी रेसिपीज ऐसे ही शेयर करूँगी. और आपसे बात करते करते, ओनियंस तो रेडी हो चुके हैं और टमाटोज़ भी हमने इसमें डाल दिया है, क्योंकि ये सब्जी बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाती है. तो ओनियन और टमाटर डालने के बाद हमने इसमें डाला है हल्का सा मसाला एंड नमक, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हो इसमें. और जैसे ही सब्जियां थोड़ी सी कुक हो जाएं, लाइक थोड़ी सी फ्राई हो जाएं, तब आपको इसमें पनीर डाल देना है. तो जैसा मैंने आप लोग से बताया था कि इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है. तो अब हमारे वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं, हल्का सा ही कलर चाहिए होता है, लाइक हल्का सा ही फ्राई चाहिए होता है, क्योंकि इसमें सब्जियां कच्ची ही थोड़ी अच्छी लगती हैं. तो अब हम पनीर डाल देते हैं इसमें और पनीर डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर दो. मिक्स करने के बाद आप इसे थोड़ी देर, लाइक 2 से 3 मिनट्स तक ढक के रख सकते हो और तब आपकी सब्जी हो जाएगी रेडी. जैसे अब हम जा रहे हैं इसको रखने, फाइनल टच हमने दे दिया है इसमें और अब हम इसको ढक के रखेंगे. फिर देखते हैं कि कैसी बनती है हमारी पनीर भुर्जी. वैसे सब्जी को बना रही थी मेरी सिस्टर, तो मैं उसको भी क्रेडिट दे देती हूँ. और पनीर भुर्जी हमारी रेडी हो चुकी है और गार्निशिंग के लिए हमने इसमें धनिया भी डाल दिया है, क्योंकि हरी धनिया से कलर बहुत ही अच्छा लगता है सब्जियों का. और हैरी की एक्साइटमेंट भी पीक पे आ चुकी है, क्योंकि वो सब्जी देख चुका है और उसको ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इज प्रीटी मच एक्साइटेड. और चलिए अब टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी बनी है पनीर भुर्जी. वेल, सब्जी तो काफ़ी अच्छी बनी है, मुझे तो काफ़ी पसंद आई और आई होप कि वीडियो भी अच्छा बना होगा. तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव.